भाई साहब एक्शन का ओवरडोज मिलने वाला है क्योंकि बड़े मियां छोटे मियां का ट्रेलर आ चुका है जिसके लिए भाई बहुत वेट था। एंड ट्रेलर कितना प्रॉमिसिंग है भाई, सभी चीजों पर नजर मारेंगे, रिव्यू करेंगे कितना प्रॉमिसिंग है, न्यूट्रल ऑडियंस को ये कितना ज्यादा एक्साइटेड करेगा, डाई हार्ड फैन कितने पागल होने वाले हैं यहाँ से, मूवी की क्या हाइप बनने वाली है। एक्शन तो भाई पेल के मिलेगा ही मिलेगा इसमें। दूसरा भाई ट्रेलर में बहुत से एंगल देखने को मिल रहे हैं, सभी चीजों पर बात करेंगे। उससे पहले वीडियो पे एक लाइक नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई साहब, लाइक एक सपोर्ट और ये जर्नी यूं ही चलती रहेगी। तो शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग ट्रेलर की, बहुत सॉलिड तरीके से गई भाई, लेयर बाय लेयर देखेंगे। स्टार्टिंग का पार्ट था पृथ्वीराज सुकुमारन का, जो मेकर्स की तरफ से एक मास्टरमाइंड गेम खेला गया। पृथ्वीराज सुकुमारन जो एज विलेन देखने को मिलने वाले हैं भाई साहब, भरपूर फायदा उठाया है इस बंदे का, एक एक चीज जो चीज जैसी होनी चाहिए थी बिल्कुल सेट होते नजर आई है। चाहे आप डायलॉग डिलीवरी में ले लो, चाहे वो आप उसके नेगेटिव स्टाइल्स में, मतलब विलेन एक कैसा होना चाहिए, ब्रूटल, जिसके पास कोई लिमिट नहीं है। वो दूसरा ये कि वो भाई माइंड गेम इतनी बेहतरीन तरीके से खेले जो सबकी फाड़ के रख जाए, वो वाली वाइब आ रही है भाई पृथ्वीराज सुकुमारन से। और एज इट इज मूवी में मिल गई तो मूवी को 500 करोड़ हिट होने से किसी का बाप नहीं रोक सकता। एक्शन की कोई कमी नहीं है भाई साहब, एक्शन तो पेल के मिलेगा ही मिलेगा, नो डाउट। पृथ्वीराज सुकुमारन के लिए भाई बहुत एक्साइटमेंट है। न्यूट्रल ऑडियंस की बात करें भाई, न्यूट्रल ऑडियंस को ये कितना प्रॉमिसिंग लगेगा, डेफिनेटली 1000% ये प्रॉमिसिंग है। न्यूट्रल ऑडियंस फुल एक्साइटेड होने वाली है कि भाई जाएंगे देखेंगे क्या होता है। स्टार्टिंग से वाइब आ रही थी फास्ट एंड फ्यूरियस 7th या फिर 8th पार्ट में जो एक्शन दिखाया गया है और वही रोड मैप इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब कोई आपने चीज चुरा ली है देन उसके बाद वो हमारे एजेंट उसके पीछे लग जाएंगे, वहां कोई और थे लेकिन यहां अपने एजेंट अक्षय कुमार और ये अपने टाइगर श्रॉफ देखने को मिल जाएगा। लेकिन भाई नेगेटिव्स में पहली बात कर लेते हैं कि संगति का असर हुआ है अक्षय कुमार के ऊपर, किसका, टाइगर श्रॉफ का, क्योंकि एक्टिंग के मामले में, डायलॉग डिलीवरी के मामले में अक्षय कुमार से वो नेचुरलिटी वाली फील नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है कि एफर्ट मार रहे हैं, जबरदस्ती का एफर्ट, वो नेचुरल वाला फील नहीं आया। बाकी टाइगर श्रॉफ को यहाँ पर फायदा हुआ है क्योंकि एक्टिंग के मामले में ये बंदा थोड़ा इम्प्रूव करते नजर आया है। एंड डायलॉग्स जो भी इसके द्वारा दिए गए हैं भाई, ट्रेलर में मोस्ट ऑफ द पार्ट अक्षय कुमार का तो देखने को ही नहीं मिला है, ओवरशैडो करके गया है पृथ्वीराज सुकुमारन फर्स्ट, देन उसके बाद ओवरशैडो करके गया है सेकंड में टाइगर श्रॉफ, एंड देन थर्ड में हमारे जो मेन लीड में एक्टर है उसका अक्षय कुमार का कहीं ना कहीं पार्ट देखने को मिल रहा है भाई। जब ये दोनों ओवरशैडो करके गए हैं, टाइगर श्रॉफ के द्वारा जो भी डायलॉग्स यहाँ पर निकले हैं फाइन एंड दमदार जमते नजर आए हैं, लेकिन अक्षय कुमार पे ऐसा लग रहा था ना एफर्ट आ रहा है, मतलब बनावटी आवाज, भारी वाली आवाज जबरदस्ती की। स्टोरी लाइन कैसे होने वाली भाई, स्टोरी लाइन दमदार होने वाली है, ट्रेलर बहुत हद तक प्रॉमिसिंग है, दमदार है। बाकी VFX एंड विजुअल इफेक्ट की बात करें तो भाई कुछ भी चीज पकड़ में आ नहीं रही है, सब कुछ अच्छा इस्तेमाल कर रखा है, सब कुछ एज नेचुरल देखने को मिला, मतलब विजुअल इफेक्ट में अच्छा काम चल रहा है, क्योंकि भाई ऐसी जो एक्शन पैक्ड मूवी होती है, बिग एक्शन पैक्ड मूवी, वहां VFX का बहुत अच्छा रोल होता है। अगर इसका पार्ट, इस पार्ट का इस्तेमाल अच्छा कर लिया तो हमारे पास एक्सपीरियंस है, हमारे पास फीडबैक है भाई, बहुत सी पुरानी मूवी जो सिर्फ VFX के दम पर हिट होकर गई है, बस ये भी अपना नाम वहाँ दर्ज कर जाएगी एंड ईजिली दर्ज कर जाएगी। बाकी स्टोरी पैटर्न की बात करें तो अच्छी होने वाली है, क्योंकि पृथ्वीराज सुकुमारन पूरा ओवरसेट हो करेगा, एक तरफ से पूरी लेके रखेगा, सिर्फ उनकी नहीं पूरे हिंदुस्तान की भाई साहब, तो वहाँ अपने जो दोनों बंदे जाएंगे वो भी दमदार करेंगे भाई, ऐसे थोड़ी ना चुप बैठ जाएंगे। लेकिन जो बीच में पंचिंग घुसाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ये मूवी फुल सीरियस बना सकते थे तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन बीच में ये बॉलीवुड का वो एंगल, कॉमेडिक फन वगैरह अगर घुसेड़ने की कोशिश करेंगे, जो फिलहाल पंचिंग सेट नहीं होती आ रही है नज़र, क्योंकि नेचुरल वाली वाइब नहीं आ रही। बाकी ट्रेलर बहुत प्रॉमिसिंग है भाई, डाई हार्ड फैन तो पागल होने होने वाले हैं, और हाइप यहाँ से जो चढ़ने वाली है क्योंकि 10th अप्रैल को मूवी आ जाएगी, देन उसका न्यूट्रल ऑडियंस को बहुत 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 एक्साइटेड करने वाला है। लास्ट में एक सरप्राइजिंग फैक्टर ये भी दिखाया गया जो अभी तक बिल्कुल भाई किसी की सोच में भी नहीं आया होगा, आपस में ये दोनों बंदे लड़ रहे हैं, मिशन कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन भाई एक दूसरे के जानी दुश्मन कैसे हो सकते हैं, क्योंकि ये तो कहीं लीड मिली ही नहीं थी, और ये वाला एंगल बहुत हद तक हिट करके जाएगा। लेकिन यहाँ से भाई 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 500 करोड़ का दावा ठोंकती है मूवी, ईजिली ठोंकती है, और डे वन पर 100 करोड़ ईजिली आएगा, क्योंकि यहाँ से अब भाई साहब प्रमोशन की बात, प्रमोशनल स्ट्रेटेजी में और बेहतरीन खासा दिमाग लगा लिया तो मजा आ जाएगा। देन उसका डाई हार्ड फैन जो है यहाँ पर भाई साहब फर्स्ट डे फर्स्ट शो के लिए को बहुत सी स्ट्रेटेजीज होती हैं, अगर वो एक्स्ट्रा एफर्ट मार गए तो इजली ये मूवी 100 करोड़ ओपनिंग लेने का दावा रखती है। बाकी आपने नहीं देखा है ट्रेलर तो जाके जरूर देखना, ट्रेलर बहुत प्रॉमिसिंग है, मेरे को दमदार लगा भाई साहब। मिलते हैं अगली वीडियो पर, जय हिंद।